डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि आप सभी लोगों को वर्ष 2023-24 के लिए कक्षा सातवीं की जो भाषा भारती की जो आपको 8 ग्रेड अभ्यास कार्य पुस्तिका जारी कर दी गई है, तो हमने आपको अध्याय एक और अध्याय दो का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। इस वीडियो में हम पार्ट तीन मेरी वसीयत का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। कुछ देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही आप बुक ओपन करोगे चैप्टर थ्री तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो इनके हमने आंसर पीडीएफ के थ्रू आपको हम उपलब्ध कराएंगे, तो आप पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाओगे। पीडीएफ के लिए मैंने एक सिंपल सी प्रोसेस बताई है, वही आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है, नहीं तो मैं इस वीडियो में बता दूंगा क्या करना रहेगा। देखिए जैसे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न हम पढ़ते हैं, फिर इसके उत्तर एक साथ हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता थी। ओके, यहाँ पर चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी का हमारा दूसरा प्रश्न है, नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ना, काम, या और बी, तो ये आपको दो प्रश्न दिए गए हैं। देखिए पीडीएफ में आपको आंसर इस तरीके से मिलेंगे। बच्चों जैसे ही आप पीडीएफ ओपन करोगे तो आपको कक्षा सात पार्ट तीन मेरी वसीयत देखने को मिलेगी। ये जो आपको बुक में पूर्व से तैयारी जो दी जाती है वह है, पर इसके बाद आपके बहुविकल्पी प्रश्न, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो गंगा में अस्थियों को विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की क्या प्रतिमान्यता थी, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आपको कर देना है, मान्यता। अब बच्चों आप बोल रहे हो सर इसके हमें पीडीएफ चाहिए, तो ये पीडीएफ ही है, बस आपको क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम पर आना है। इंस्टा पर मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आपको यहाँ पर मिस्टर गौरव कुशवा नाम से देखने को मिल रही होगी। आप जैसे ही इंस्टाग्राम पर सर्च करोगे तो आ जाएगी, उसके अबाउट सेक्शन में जो रहता है ना अबाउट वाला, तो वहाँ पर लिंक दी गई है इसकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका डाउनलोड लिंक, वहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे ना तो आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न हम यहीं से देख लेते हैं कि नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग है, तो नाकामयाबी शब्द में क्या उपसर्ग है, तो ये आपको आएगा ना उपसर्ग है। ओके, इसके बाद देखिए अतिलघुत्तरी प्रश्न आते हैं, जिसमें प्रश्न तीन है, मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की कौन कौन सी भावना झलकती है। ओके, तो हमें इसका उत्तर लिखना है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की देश प्रेम और एकता की भावना झलकती है। ओके, इसके बाद प्रश्न चार है, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामयाबी शब्द बना है, इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द बनाइए, तो पहला है ना प्लस राज नाराज हो जाएगा, और दूसरा है ना प्लस मुमकिन नामुमकिन। इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक चार को भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक पाँच की ओर। प्रश्न क्रमांक पाँच हमें यहाँ पर दिया गया है, किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है, पाठ के आधार पर बताइए, तो आप लिखेंगे प्रेम के बदले में नहीं है, तो हम किसके बदले में कुछ भी नहीं दे पाना मुमकिन नहीं है, तो प्रेम के बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न छः, बी उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द बनाइए। ओके, इसका हम उत्तर देखेंगे, तो उत्तर रहेगा बी प्लस राग विराग और बी प्लस आर विशाल। ओके, तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर लोगे। ओके, तो इसके बाद देखिए लघुत्तरी प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो लघुत्तरी प्रश्न है, नेहरू जी मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्यों, इसका उत्तर आप लिखेंगे उत्तर में, क्योंकि नेहरू जी रस्म समझकर उसमें बंध जाना एक धोखा मानते थे। ओके, इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक आठ। प्रश्न क्रमांक आपके देखिए दिया गया है कि नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ डाला, यानी कि जो राख थी उसको कहाँ डालने की इच्छा की व्यक्त की, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म को मुट्ठी भर गंगा नदी में तथा शेष बची हुई भस्म को भारत के उन हिस्सों में डालने की बात कही थी जहाँ किसान जीतोड़ मेहनत करते हैं, अर्थात जहाँ भी किसान जीतोड़ मेहनत करते हों वहाँ पर डालने की बात कही थी। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नौ की ओर। प्रश्न क्रमांक नौ है, अपने ज़िले की किसी भी नदी की विशेषताओं पर तीन वाक्य लिखिए। तो स्टूडेंट्स ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, हमने एज ए एग्जाम्पल एक नदी ली हुई जो कि हमारे ज़िले की है, बैनगंगा नदी। अगर आपके ज़िले में कोई बेतवा नदी हो तो आप यहाँ पर बेतवा नदी लिख सकते हैं, या जो भी नदी हो, नर्मदा हो, तावी हो, ताप्ती हो, है ना, तो जो भी हो अब वह आप नदी यहाँ पर लिखेंगे अपने ज़िले की, है ना। फिर इसके बाद क्या करना है, उस नदी का नाम लिखेंगे, पूर्व से पश्चिम बहती है, आपको बताना है कि पूर्व से पश्चिम बहती है या फिर उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर। ओके, वह आपको यहाँ पर लिख देना है, अगर आप अपने हिसाब से लिखते हैं, नहीं तो आप ये लिख दीजिएगा। वैसे तो मुझे आशा है कि आप अपने ज़िले की लिखेंगे, और इस नदी में बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं, ये तो कॉमन है। तीसरा तो आप सभी अपने हिसाब से लिख ही दोगे।
तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 में आप देखेंगे कि नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, पाठ की किन पंक्तियों से पता चलता है कि 3 पंक्तियां लिखी है। तो इसका उत्तर देखने को मिल हम उत्तर देखने को मिलेगा हमें, मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्काते देखा। दूसरा, गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है। ओके, तीसरा में हमें गंगा का जो वर्णन मिलता है वह मिलता है, गंगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 की ओर। प्रश्न 11 है, नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध क्यों किया? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध इसलिए किया क्योंकि वह चाहते हैं कि भारत के लोग इन रीति रस्मों के जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल जाएं, क्योंकि ये रस्में हमारे देश भारत की ओर आगे बढ़ने से रोकती हैं। इस तरीके से बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, प्रश्न क्रमांक 11। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर, ठीक है। और यही हमारा इस अध्याय 3 का लास्ट चैप्टर है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। और बता दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है। ओके, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल चैनल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर जो आपके त्रैमासिक पेपर होंगे, हाफ ईयरली होंगे, वार्षिक पेपर होंगे, वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके लिए आप कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। प्रश्न 12 देखिए, किन्हीं दो महापुरुषों के चित्र चस्पा कर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। तो चित्र हमें क्या चिपका कर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखना है। तो मैंने एज ए एग्जाम्पल महात्मा गांधी को लिया है, आप हो सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को ले लें, नेहरू जी को ले लें, या और कोई को भी ले लें, ठीक है। महापुरुषों, दो महापुरुष के बारे में, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे, गांधी जी का वास्तविक नाम करमचंद गांधी है। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस एवं गांधी जयंती के नाम से जानते हैं। और चौथा है, इनके पिताजी एवं गांधी करमचंद गांधी एक दीवान थे। और इसके बाद है, इनकी माता जी पुतलीबाई का धर्म के प्रति काफ़ी लगाव था। ये तो मैंने गांधी जी के बारे में बता दिया है, आपको दो पुरुषों के चित्र भी चिपकाना है। तो जैसे यहाँ पर आप इतनी जगह रह रही है तो आप यहाँ पर गांधी जी का चित्र भी चिपकाएंगे। ओके, अब क्या करना है आपको, एक और महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आपको लिखना होगा। तो इसके लिए आप या तो ये कर सकते हैं, गूगल ओपन कर लीजिए, गूगल पर सर्च कर लीजिए 5 वाक्य और सरदार पटेल पर, ठीक है। तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।